ओके, तो ये आपका बेसिक साइंस का क्लास है, जनरल साइंस भी बोल सकते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जीएस में, जनरलिस्ट में। जितना आपको साइंस में जनरल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, सिर्फ उतना ही हम लोग करेंगे। यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल और जो स्पेशल केसेस होते हैं उनको सॉल्व नहीं किया जाएगा। इट विल बी बेसिक्स ओनली, जस्ट डेफिनेशन और उनके मीनिंग्स क्या होते हैं जो आपको रेगुलर यूज में आता है, कॉमन स्टडी में, उतना ही हम लोग को देखना है। हम आपका यहाँ पे दो सब हम लोग मैं कवर करूँगा, एक है फिजिक्स और एक है केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं जीएस में, आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की बात करेंगे, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एपीसीएस हो, या आपके एईजेई के एग्जाम में जो जनरल साइंस से क्वेश्चन आता है, उसमें दो तीन चीजों पर फोकस रहता है। पहला, आपका टर्मिनोलॉजी, कौन कौन से कहाँ पे यूज होते हैं, जैसे टॉर्क क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फिजिक्स में जो टर्म्स यूज होते हैं, या केमिस्ट्री में जो टर्म्स यूज होते हैं, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, कब कोवेलेंट बॉन्ड होता है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये सब आपको टर्मिनोलॉजी में देखना होगा। दूसरा, बेसिक लॉस, थ्योरीज, कोई पॉपुलर थ्योरी है तो उसको पढ़ना होता है आपको, बेसिक लॉस। अपना माइक ऑफ दीजिए, सडनली पार्टिसिपेंट्स पढ़ गए हैं। टर्मिनोलॉजी देखेंगे, बेसिक लॉस देखेंगे, थ्योरीज देखेंगे कौन कौन सी हैं। ठीक, और जनरल फॉर्मूला एंड फेमस केसेस, ये जनरल साइंस का क्लास है आपका। हाँ सर, 5 से 22 हो गया है सर। जी, 5 से सीधा 22 हो गया सर एक बार। क्या 22 हो गया? हाँ, पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहे हैं। चले चले चले, ठीक है, शायद सिविल डिस्टरबेंस भी हो रहा है। चले, हम लोग कहाँ पे थे? फिजिक्स में क्या किन किन पॉइंट, सिलेबस में नहीं लिखा है अभी, किन पॉइंट्स पे फोकस करना है वो हमने देख लिया। ठीक, इन इन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना होगा। ठीक, अब इसके जो टॉपिक्स हैं वो क्या हैं? पहला टॉपिक आपको पढ़ना है मोशन। अब यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं वो सब देखते हैं। अपना माइक प्लीज ऑफ करिए आप लोग। मोशन के बाद हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ मोशन। थर्ड वन विल बी वर्क, पावर, एनर्जी। चौथा सेक्शन होगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बाद वेव थ्योरी, ये अकेले सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट आपको जो फिजिक्स में लगेगा, इसमें SHM और टाइप्स ऑफ वेव्स वगैरह है। उसके बाद सिक्स पार्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी, और सेवेंथ पार्ट है मैग्नेटिज्म।
आप में से मैक्सिमम लोग शायद इलेक्ट्रिकल के ही है ना, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप ये दोनों पार्ट स्किप कर दीजिएगा, ये आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आपको वो बहुत लाइट लगेगा। आगे चले, हम लोग अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। अच्छा, बीच में एक टॉपिक आप और चाहें तो ऐड कर सकते हैं वर्क और एनर्जी के साथ में। फोर्स एंड प्रेशर, इसमें मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स नहीं ऐड कर रहा हूं मैं, रोटेशन ऐड नहीं कर रहा हूं कि वो अब सबके लिए नहीं है, जनरल साइंस में इतना काफी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को हम लोग। आपका पहला टॉपिक है मोशन, या आप हेडिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। रेस्ट एंड मोशन, जी फिजिक्स में इतना ही पढ़ना है बस। केमिस्ट्री का सिलेबस, केमिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। चलिए, तो हम लोग बोलते हैं कि इफ ए बॉडी इज नॉट इन रेस्ट इट इज इन मोशन, एंड इफ इट इज इन मोशन इट इज नॉट रेस्ट। ये दोनों वर्ड अपोजिट है एक दूसरे के, रेस्ट और मोशन। लेकिन ये जितना सिंपल आपको दिख रहा है इतना सिंपल इनका मीनिंग है नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मीनिंग भी है इनका। लेंस आईज ऑप्टिक्स नहीं है आपके जीएस में, वो बायोलॉजी में ही आता है, फिजिक्स में आता है। तुमने केवल आईज पढ़ना है, ऑप्टिक्स आपको नहीं पढ़ना है। चलिए शुरू करें हम लोग। जैसे ये बोथ ऑफ दीज वर्ड्स, बोथ दीज वर्ड्स आर रिलेटिव इन नेचर, ये दोनों वर्ड्स जो आपने यूज किए हैं रेस्ट और मोशन, ये रिलेटिव वर्ड्स हैं, इनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जब भी होता है किसी के रिलेशन में होता है। ठीक, आप लोग सेटल डाउन हो जाइए। ठीक है, सिविल के हैं तो भी आप लोग बेसिक फिजिक्स में ही देखना। बोथ दी वर्ड्स आर रिलेटिव इन नेचर एंड दे आर नॉट individual and independent। ठीक, rest और motion ये दोनों word relative हैं, इनका individual existence नहीं होता है, ना तो ये independent words हैं। ठीक, अब इस बात का मतलब क्या है, meaning क्या है वो देखते हैं हम लोग। suppose आप अपने घर में, जैसे या आपके घर में एक बेड है आपका, ठीक, आप इस बेड के ऊपर कोई लेटा हुआ है, ठीक, ये आदमी रेस्ट में है कि मोशन में है, रेस्ट। ठीक, अच्छा ये बेड किस पे होगा, अर्थ के सरफेस पे होगा ना, अर्थ क्या स्टेशनरी है, अर्थ क्या रुकी हुई है या मोशन में रहती है, मोशन में, अर्थ हमेशा
मोशन में रहता है, कि अर्थ जो है अपने एक्सिस के अलॉन्ग 32.5 डिग्री जो भी घुमा हुआ है ये स्पिन भी करता है अर्थ, और सन के अराउंड ये रिवॉल्व भी करता है। तो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों तरह का मोशन अर्थ में होता है। तो अगर अर्थ स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस पे, तो उसका अर्थ का सरफेस स्टेशनरी कहाँ हुआ? ये बेड भी तो अर्थ के सरफेस के साथ मूव करेगा। अब बताइए आप क्या कह सकते हैं कि ये बॉडी रेस्ट पे है कि मोशन में है? अरे जीएस का क्लास है ना जी, जनरल साइंस। आप लोग रेस्ट में होना चाहिए, यानी बोथ में हो सकता है, रेस्ट और रेस्ट और मोशन में होगा। मैंने अभी वो दिखाया कि ये मोशन में भी है सर, ये इट इज इन मोशन रिलेटिव टू अर्थ। जी मेरा क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअल में। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अ बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन, तो थ्योरी के हिसाब से ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक, जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, रेस्ट या मोशन, तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस देना होता है कि आप किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ठीक, यही आदमी रेस्ट पे है, इस बेड के लिए भी और इस अर्थ सरफेस के लिए भी। इस अर्थ के सरफेस पे जहां पे वो था वहीं पे बेड है, मूव नहीं किया अपने पोजीशन से। ठीक, बेड भी वही है, आदमी भी वही है। तो ये आदमी अर्थ के लिए रेस्ट पे है, इस बेड के लिए ये आदमी रेस्ट पे है, लेकिन आपके सोलर सिस्टम के लिए या जो स्पेस के ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ के बाहर उनके हिसाब से देखेंगे तो ये आदमी मोशन में है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन हमने लिखा कि बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन, दिस क्वेश्चन इज incomplete without frame of reference। ठीक, तो थ्योरी ये बताती है कि ये क्वेश्चन incomplete है अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बता रहे। ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल लेता है आपको। एक ट्रेन जा रही है, पटरी पे। ठीक, इस ट्रेन में पत्नी बैठे हैं, एक आदमी ये बैठा हुआ है, एक आदमी ये बैठा हुआ है। आमने सामने जैसे बैठते हैं ना ट्रेन में, बैठे होंगे आप लोग। ठीक, तो ये आदमी सपोज करिए ए है और ये आदमी बी है। ठीक, ये दोनों आदमी रेस्ट में है कि मोशन में है? ट्रेन की वेलोसिटी वी, तो बताएगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में से बाहर के रेस्पेक्ट में। हाँ, ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट में है, बी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट में है। ट्रेन के रेस्पेक्ट में क्या स्थिति है इनकी, क्या कंडीशन है? रेस्ट है उसके रेस्पेक्ट। ट्रेन के रेस्पेक्ट में भी ये दोनों ऑब्जेक्ट बॉडी या दोनों आदमी रेस्ट में है। बाहर अगर खड़ा होकर कोई देख रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों मोशन में है। तो जब भी आप रेस्ट या मोशन डिस्क्राइब करते हैं तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताना होता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, रेस्ट और मोशन की। राइट, इन केस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज
not provided. अगर reference के बारे में नहीं बताया है, frame of reference is not provided, then by default it has to be considered as earth. अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बताया और पूछा डायरेक्टली आपसे कि यह ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्वेश्चन में, तो थ्योरेटिकली तो ये क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया नहीं गया है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप अर्थ मान लेंगे. ठीक, अर्थ के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है. ठीक, सीधा सीधा क्वेश्चन फिर से वही रिपीट करें, ये ए और बी रेस्ट में है या मोशन में है? अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बताता तब तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बताया है तो ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर इन रेस्ट और मोशन. सर अगर इंटरनल का बात करें तो दोनों जो आपका रेस्ट में है, और एक्सटर्नल का बात करने से मोशन में हो सकता है. नहीं तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन ही नहीं किया है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सीधा, ऑब्जेक्ट ए या मैन ए इज इन रेस्ट और मोशन, दो ही ऑप्शन है, ए रेस्ट बी मोशन. सर रेस्ट होगा, मोशन में है, अर्थ के ऊपर तो मूव कर रहा है ना ये. अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बताया गया है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप ऑटोमेटिक अर्थ मान लेते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, क्लियर. तो ये दो वर्ड का डेफिनेशन है, रेस्ट और मोशन का. ठीक, अब ये कंडीशन तो हमने क्लियर कर ली है, अब इसका मतलब भी देख लेते हैं. जी जैसे कि आप बोला है ना, मतलब जैसे कि अगर ऑप्शन सी भी था ना, कैन बी इन रेस्ट और कैन बी इन मोशन बोलने से क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दिया हुआ था बोलने से, तो सी करना सही नहीं होगा. क्या ऑप्शन है और क्वेश्चन क्या है? आप जो बोले वही है, पर उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दिया है ना, पर ऑप्शन में ऐसे है ना, मोशन ना, फिर बी में रेस्ट ना, फिर सी में कैन बी आइदर ना, या फिर जी में नन ऑफ द अबव बोलने से सी करना ठीक नहीं होगा क्या? नहीं, मेंशन नहीं है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन में मेंशन नहीं है तो सीधा अर्थ को ही मानेगा ना बाय डिफॉल्ट. हां, मोशन अर्थ अर्थ को ही मानेगा. ठीक, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम. ठीक, मोशन है क्या? एन ऑब्जेक्ट व्हेन चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. From which it is seen will be said to be in motion. ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ये किसी दूसरे फ्रेम बी के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम कहते हैं कि ए बी के रेस्पेक्ट में मोशन में है. ठीक, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो जहां से भी आप देख रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट या उसका जो पोजीशन है वो आपके रेस्पेक्ट में चेंज होता जाएगा. अगर चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसको मोशन में नहीं मानेंगे. जैसे एक
आदमी है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्रेट चल रहा है, आप हैं, आप भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, क्या आप दोनों के बीच का जो बीच का डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होगा? नो सर, नहीं होगा। अगर आप दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है या इसका जो पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में है अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो ये आदमी जो है आपके लिए रेस्ट में है। किसी और के रेस्पेक्ट में अगर देखें, मान लीजिए ये आदमी खड़ा है वी इक्वल टू जीरो, आइए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका ए बी सी, सी का पोजीशन या सी से ए का बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा क्योंकि ये स्टेशनरी है, ये मूव कर रहा है। तो इसको दूसरे साइड से आप जब एक्सप्लेन करते हैं कि मोशन में कब बोला जाता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका कंडीशन है कि अगर आपके जहां से भी आप देख रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहा जाएगा। ठीक। अब मोशन अगर आप देखें तो मोशन कई तरह का हो सकता है। ठीक। अगर आप सीधी लाइन में जाएं, सपोज ये एक प्लेन है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आपको ए से बी तक जाना है। एक तरीका है कि आप ए से चले और बी तक पहुंच। ये जो पाथ होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा और सबसे छोटा पाथ यही होता है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर। इस तरह के मोशन को आप कहते हैं लीनियर मोशन। ठीक। और या फिर कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक। या फिर आपको ए से बी तक जाना है तो आप ऐसे ऐसे घूमते हुए भी जा सकते हैं, इधर से घूमते हुए भी जा सकते हैं। ठीक। तीन पाथ P1, P2, P3। सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? P2। उससे बड़ा वाला P1, P3 में से कोई से भी हो सकता है, अब बैठ के नापना पड़ेगा उसको। खैर, सबसे छोटा हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा पी तक। अब आप देखें जो रास्ता P और P3 का है, इसमें कभी आप इधर की तरफ चल रहे थे, फिर आप इधर की तरफ मुड़े हैं, फिर आप ऐसे मुड़े हैं, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन में? क्या आपका मोशन एक ही डायरेक्शन में है कि आपकी डायरेक्शन बदल रही है बार बार? डायरेक्शन बदल रहा है ना। मोशन इन वन डायमेंशन अगर है देन डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंट। ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा एक ही रहता है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, रिमेन्स सेम। या फिर आप प्लेन में मूव कर सकते हैं, मोशन इन टू एंड थ्री डायमेंशन, आप इसमें ऊपर से उड़ उड़ के भी जा सकते हैं। तो दो तरह का मोशन को आप दो क्लास पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है आपका लीनियर मोशन, दूसरा है मोशन टू डायमेंशन, या फिर उसी का एडवांस वर्जन थ्री डायमेंशन भी हो जाता है। ठीक। लीनियर मोशन को स्टडी करना और समझना ज्यादा आसान विद रिस्पेक्ट टू टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर। मोशन हमने देख लिया क्या होता है, रेस्ट हमने देख लिया क्या होता है, मोशन कितने टाइप का होता है ये देख लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपने लीनियर मोशन से। अभी आने दीजिए, रिलेटिव मोशन
मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव इन नेचर, मोशन हमेशा रिलेटिव ही होता है. आप रिलेटिव वेलोसिटी पूछना चाह रहे हैं उससे. एक रिक्वेस्ट है, अपना नाम चेंज कर लीजिए. यहाँ पे लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में अपीयर हो रहे हैं. थोड़ा सा सीरियस क्लास है ना. मोशन का अगर आप मतलब समझ गए हैं तो हम लोग अब लीनियर मोशन स्टार्ट करेंगे. लीनियर क्या होता है? आपने देखा, इसको मोशन इन वन डायमेंशन भी कहते हैं. ठीक, कंडीशन क्या होगी? Direction of motion never changes. Motion का direction कभी change नहीं होगा. ठीक, अगर change नहीं होगा तो motion in a straight line भी इसको आप बोल सकते हैं. Suppose ये कोई point A है, ये दूसरा point B है, इस A से B के बीच में motion हो रहा है. और मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, समथिंग ओ. ठीक, अब जैसा कि आप देखा, ये ए से लेके बी तक जा रहा है. ठीक, अभी मोशन को इससे ज्यादा समझने के लिए हमको कुछ टर्म्स डिफाइन करने पड़ेंगे. उस टर्म्स को डिफाइन करने के बाद फिर आप फर्दर मोशन को आगे बढ़ा सकते हैं. पहला टर्म है डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है? कैसे डिफाइन करेंगे डिस्टेंस को? आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, इससे ज्यादा तो आप लोग इलेक्ट्रिकल क्लास में रिप्लाई करते हैं. एनी पार्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. It is length of path, yeah, length of actual path between any two points is the distance between them. A और B से, A मान लीजिए आप A से B की तरफ जा रहे हैं, तो आपने सपोज करिए ये वाला पाथ लिया. ये पाथ है P1, दूसरा वाला शॉर्ट वाला पाथ है P2, सपोज करते हैं. तो आप ये जो पाथ आपने लिया है, इस पाथ के ऊपर आप चलेंगे ना, तो ये पूरा लेंथ ऐड करिए. इसलिए जो लाइन मैं खींच रहा हूँ, एक एक इंच या एक एक पॉइंट को आप जोड़ते हुए लाइन को ऐड करिए, ये पूरा पाथ का जो लेंथ है वो डिस्टेंस कहलाता है. डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? इट इज स्केलर. स्केलर क्वांटिटी. Next. Displacement क्या होता है?
displacement is? It is the shortest distance possible between two points. Sir. जी ये स्ट्रेट लाइन और डिस्टेंस का डेफिनेशन सेम रहेगा ना जी स्ट्रेट लाइन और डिस्टेंस का डेफिनेशन सेम रहेगा ना उसका नहीं देखिए आप डिपेंड करता है आपका पाथ क्या है देखिए आप जो है ना सपोज करिए ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो आप इस तरह से घूमते हुए भी जा सकते हैं या आप स्ट्रेट लाइन का पाथ भी फॉलो कर सकते हैं ठीक दोनों केस में डिस्प्लेस सेम होगा आपका आप ए से डिस्प्लेस होकर के बी तक आए हैं लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल दोनों केस में अलग अलग होगा ओके ठीक डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ और द स्ट्रेट लाइन बिटवीन दोज टू पॉइंट्स अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि स्केलर है स्केलर होगा डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज वेक्टर होगा वेक्टर है इट इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी ठीक अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में ठीक एंड द डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट्स अच्छा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के तरफ होता है डिस्प्लेसमेंट क्लियर व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर चलिए ये भी बता देते हैं थोड़ा ये वेक्टर इसस बाद में आता है ये कॉम्प्लेक्स है समझना स्केलर वेक्टर उस थ्योरी पे चलते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे बाद में आऊंगा पहले आपका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं स्केलर सर जी सर ये जेई का क्लास है जेई का क्लास नहीं है ये जनरल स्टडीज क्लास है बेसिक साइंस का ओके ओके ठीक फिजिकल क्वांटिटीज को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं आप स्केलर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज टेंसर क्वांटिटीज आप में से कोई सिविल का है क्या सिविल ब्रांच यस सर हम लोग सिविल का है सर हम सिविल का है आप सिविल के हैं तो आप स्केलर वेक्टर जानते होंगे अच्छे से आप लोग का तो सिलेबस ही इंजीनियरिंग मैकेनिक से स्टार्ट होता है ना हाँ सर those quantities which have magnitude only वो स्केलर हो जाते हैं ठीक which have both magnitude and direction
वो वेक्टर हो जाते हैं और टेंसर इट कैन बिहेव बोथ एज वेक्टर एंड स्केलर. ये पुराना बेसिक डेफिनेशन है जो स्केलर और वेक्टर के बारे में बताया जाता है. अच्छा एक बात बताइए, मैग्नीट्यूड मींस मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इन नेक्स्ट सिस्टम. जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके घर में पानी है, आप बोलेंगे है कितना है. आप अगर इस तरह से जवाब देते हैं मुझे कि ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, तो उसको मैग्नीट्यूड नहीं माना जाता है जब तक आप न्यूमेरिकल वैल्यू उसको असाइन नहीं करते. अगर आप बोलते हैं कि इतने लीटर पानी है तो आप उस पानी का मैग्नीट्यूड बताया है कि उसका मास वॉल्यूम किसी तरह से आप बता सकते हैं. ठीक, ये बेसिक डेफिनेशन है स्केलर और वेक्टर और टेंसर का, पुराना डेफिनेशन. लेकिन बाकी डेफिनेशन थोड़ी मॉडिफाई हुई है, दो बार मॉडिफाई हुई है. वेक्टर में प्रॉब्लम आती है जैसे करंट जैसी क्वांटिटीज को जब आप डील करते हैं. हम बताते हैं रेजिस्टेंस आर है, यहाँ बैटरी लगाया या आर की वैल्यू 2 ओम है, बैटरी लगाया, बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो 5 एम्पियर की करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रही है. 5 एम्पियर करंट का मैग्नीट्यूड है, ये करंट की डायरेक्शन भी है. करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है लेकिन फिर भी वो इस क्वांटिटी है. ठीक, इसलिए इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है. विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ. अगर ऐसा है तो उसको वेक्टर कहते हैं. इफ एनी ऑफ द कंडीशन फेल्स, ये तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो आप उसको स्केलर कहते हैं. जैसे करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है. ठीक, अगर आप थोड़ा और डेप्थ में जाएं, कुछ एग्जांपल दीजिए ना. दे रहा हूं मैं. स्केलर का एग्जांपल है मास टाइम एनर्जी पावर एटसेट्रा. वेक्टर का सबसे बेसिक क्वांटिटी फोर्स वेलोसिटी, फोर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा. टेंसर का एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया स्ट्रेस स्ट्रेस और प्रेशर में यही डिफरेंस है. स्ट्रेस स्केलर है, टेंसर या सॉरी प्रेशर स्केलर है, स्ट्रेस टेंसर है, स्केलर नहीं. ठीक, आज के टाइम पे ये ये जो डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं ये भी मॉडिफाई हो चुका है.
ठीक, आसान भाषा में समझने के लिए फिजिक्स में आपको जो बताया जा रहा है कि अगर क्वांटिटी के पास मास सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो आप उसको वेक्टर मान लीजिए। अगर केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते उसके लिए आप, जैसे टाइम, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो टाइम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकते, टाइम बस इंक्रीज होता है। तो ये क्वांटिटी स्केलर है। टेंसर में अभी कभी स्केलर की तरह बिहेव करती है, कभी वेक्टर की तरह बिहेव करती है। एक्चुअल में डेफिनेशन कुछ और है आज के टाइम पे, लेकिन समझने के लिए आप इतना याद कर सकते हैं। ये सारी क्वांटिटीज जो है वो स्केलर हैं, ये सारी क्वांटिटीज वेक्टर हैं, और ये केवल तीन याद रखने से भी चल जाएगा। ये टेंसर है। अब अपने सब्जेक्ट पे वापस आते हैं। हम लोग थे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप समझ गए हैं? इसका मतलब आप समझ गए हैं ना? चलिए, डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या होता है, कैसे होता है, आपने देख लिया। ठीक, के आगे मोशन में कुछ क्वांटिटीज और डिफाइन होती हैं, जैसे स्पीड। स्पीड एक्चुअल में होता क्या है? बाय डेफिनेशन स्पीड का मतलब है रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको आप स्पीड बोलते हैं। ठीक, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाते हैं तो इट या एक्स से दिखाते हैं तो स्पीड वी से आ सकते हैं, इट इज इक्वल टू डी एक्स बाई dt। अगर x डिस्टेंस है तो v क्या होगा? स्पीड होगा। ठीक, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर कौन है? क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है इसलिए स्पीड भी ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। ठीक, नेक्स्ट दूसरा टर्मिनोलॉजी यूज होता है वेलोसिटी। जैसे स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है वैसे ही वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। रेट ऑफ displacement with respect to time is what? Velocity. Again, velocity का formula same, is equal to dx by dt. But this x is now displacement. ये distance नहीं है और इसके ऊपर vector लगेगा। Arrow का मतलब है कि ये vector quantity है। अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो v क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमेशा वेक्टर होता है, स्केलर नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए। इफ
velocity of any object is constant. Agar ye object ka velocity constant hai, then it is said to be in uniform motion. उसको आप यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं। ये क्वेश्चन इतना इजी है, लेकिन उसके बाद भी ये इतनी बार रिपीट हुआ है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ऑप्शन ऑप्शन भी इसके साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन हैज यूनिफॉर्म मोशन हैज, इसमें आप ऐड कर लीजिए, हैज कॉन्स्टेंट डायरेक्शन इज वेलोसिटी क्या ऑप्शन होगा सर? वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसको आप यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नेक्स्ट, मोशन को थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप समझ लें, आपने बेसिक डेफिनेशंस तो दिखा दिए, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल केस देखिए। In real time system, uniform motion is very rare. Uniform motion आपको rarely देखने को मिलता है, ठीक। Example अगर आपको दें, आप दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट हम लोग बार बार देखें, मेरे पास एक पाथ है, स्ट्रेट लाइन मोशन ही चल रहा है अभी, एक पाथ है, यहाँ पे एक आदमी है जो बाइक से चलेगा, पॉइंट ए से बी तक जाना है, ठीक। ये एक बाइक है, बाइक मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने चलाई होगी, आप ए से लेके बी तक जब जाते हैं, इनिशियल कंडीशन में आपका स्पीड जीरो था, जीरो मीटर पर सेकेंड, आप एक्सेलेटर लेते हैं, आपकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ते बढ़ते सपोज करिए आप गए 60 मीटर पर आवर तक, ठीक। मैं यह अज्यूम कर रहा हूँ बाइक सब लोगों ने चलाई है, और बाइक में स्पीडोमीटर होता है, वो भी आप देखना जानते हैं। ये पॉइंट सी है, यहाँ पे जाम लगा हुआ था, तो आपने ब्रेक लगा के स्पीड धीमा हुआ, आप थोड़ी देर रुके भी सी पॉइंट पे, फिर आपकी स्पीड बढ़ी और आप धीरे धीरे पहुंच करते करते इस तरह से बी पॉइंट पे पहुंच गए। ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, और आपको ए से लेके बी तक पहुंचने में टाइम जो लगा है वो लगा है सपोज 1 घंटा, तो आपका स्पीड क्या हुआ, स्पीड या वेलोसिटी, अभी यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में कितना ट्रेवल किया आपने, ठीक। लेकिन ये बात अगर आपकी बाइक से पूछा जाए कि आपकी स्पीड क्या थी, तो वो कहेगा मेरी स्पीड हर पॉइंट पे अलग अलग थी,
जब आप यहाँ पे थे तब आपकी स्पीड अलग थी, जब आप यहाँ पे थे तब आपकी स्पीड अलग थी, सी पॉइंट पे आप रुक भी गए थे, आपकी स्पीड जीरो हो गई थी, फिर स्पीड बढ़ गया था, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, और बी तक फाइनली आपको ये रिजल्ट मिला। ठीक, आप सी पॉइंट पे देखें तो आपकी वेलोसिटी जीरो थी, इस पॉइंट पे स्पीड या वेलोसिटी कुछ और, लेकिन जब आपसे ए से लेके बी तक बताया जा रहा है तो आप वेलोसिटी निकालते कैसे हैं? डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बाय टाइम। ठीक, ये जो वेलोसिटी आपने बताई है ये एक्चुअल में बाइक की वेलोसिटी नहीं है, ये है एवरेज वेलोसिटी, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो इस एग्जांपल में आप कंक्लूड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक मिनट, एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो स्पीड या वेलोसिटी है बाइक का, ये दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक, स्पीड और वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। स्पीड या वेलोसिटी को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसमें से पहला मेथड है एवरेज वेलोसिटी जो आपने अभी निकाला है। और दूसरा कंडीशन है या दूसरा मेथड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन या डिफाइन मोशन या वेलोसिटी डिफाइन किया जाता है या स्पीड डिफाइन किया जाता है तो दो तरह से कर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल रिजल्ट पे देख रहे हैं तो उसको आप एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, जो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। इसके अलावा अगर आप बहुत फाइन एनालिसिस करना चाहते हैं तो हर इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट का स्पीड अलग अलग था, इस इंस्टेंट का स्पीड अलग, इस इंस्टेंट का स्पीड या वेलोसिटी अलग, इस इंस्टेंट का वेलोसिटी या स्पीड अलग, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है? कितना टाइम बचा है मेरे ख्याल से? आज एक घंटे का ही इंट्रोडक्शन क्लास था। इसके आगे मैं कल थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको मोशन को और डेप्थ में। सर तो कल रिलेटिव जी, अभी मैं रिलेटिव वेलोसिटी पे आया नहीं, टाइम में ही है ना, एक घंटे की क्लास। सर जी हाँ, क्वेश्चन पूछिए। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक। आज के लिए कल रिलेटिव मोशन पढ़ाएंगे क्या? हाँ, कल रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा और लॉज भी पढ़ाऊंगा। ओके सर, अगर आप लोग सिविल वाले लोग ये सोच रहे हैं कि आपको मैकेनिक्स आता है तो, लेकिन ये क्लास कर लीजिए बेसिक्स वाली। आप लोग मैंने देखा है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं लेकिन थ्योरी में क्लियर नहीं होता। जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा ना, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता तो आप लोग परेशान हो जाते। सही है सर, न्यूमेरिकल तो हो जाता है। हाँ, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखने के लिए जो टर्म्स आप यूज कर रहे हैं उनके डेफिनेशंस हैं। हायर इंजीनियरिंग में आप मैकेनिक्स नहीं होंगे लेकिन ये जो टर्म्स डेफिनेशंस एग्जाम में आती हैं, आप कैसे डिफाइन करेंगे उसको, इसको एक बार अच्छा रहेगा कि आप कर लें। मैंने देखा कि मैक्सिमम सिविल वाले लोग एग्जिट हो रहे थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए कल करेंगे इसके आगे।